subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम दसवीं कक्षा के पांचवें पाठ अनोखे राष्ट्रपति, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है, इसका वाचन करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो पाठ है ये किस बारे में है। अनोखे राष्ट्रपति कौन है? ये विषय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। वे सादगी पसंद, सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी सधर्मिणी यानी साध्वी प्रकृति की सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु थी। वह राष्ट्रपति भवन में भी अपने परिवार के लिए स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती थी, यानी उनकी पत्नी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी राजेंद्र बाबू में पहले जैसे ही सादगी और सरलता थी, और लेश मात्र भी उन्हें अहंकार नहीं था। प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू और उनकी जो पत्नी है उसकी सादगी, सरलता, निश्चलता और सहज स्वभाव के बारे में आंखों देखा वर्णन किया है। चलिए देखते हैं, महादेवी वर्मा का पहले परिचय लेते हैं और फिर इसका वाचन करेंगे। महादेवी वर्मा, परिचय। जन्म 1907 फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, संध्या गीत, कविता संग्रह, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियाँ, निबंध, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र आदि आपकी कृतियाँ हैं। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्करण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता और सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। चलिए इस पाठ का वाचन करते हैं और इसे समझते हैं कि इसे किस तरीके से महादेवी वर्मा ने हमारे लिए प्रस्तुत किया है। अनोखे राष्ट्रपति। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावनात्मक क्षणों की अटूट माला गुथी है ये बताना कठिन है। यानी यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि राजेंद्र बाबू को उन्होंने सबसे पहल एक गद्यात्मक वातावरण में देखा था, लेकिन वो भावनात्मक क्षण जो थे उसमें बहुत सारी अटूट गुथियाँ बैठी थी, जिसे बताना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। प्रयाग किसे कहते हैं? ये इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयाग भी है। विद्यार्थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। ये शीतावकाश क्या होता है? ये जो ठंडी का मौसम होता है, विंटर जो मौसम होता है, उसकी जो छुट्टियां होती है उसे कहते हैं। पटना में कोई भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। यानी पटना में उनके भाई स्टेशन पर आने वाले थे और वहाँ पर वो कुछ घंटों के लिए रुकी थी, व्यतीत कर रही थी, यानी गुजार रही थी। स्टेशन के एक और तीन पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों के से गृह सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। यानी स्टेशन के एक किनारे तीन पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे एक सज्जन यानी एक आदमी, एक शख्स बैठे थे, विराजमान थे यानी बैठे थे, और उनके ऊपर महादेवी वर्मा की दृष्टि गई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया।
यानी जब भाई महादेवी वर्मा के भाई जब उन्हें लेने आए तो उनसे जानकारी उन्हें पता चला कि जो सज्जन बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और वो उन्हें मिलने या अभिवादन करने के लिए वहाँ चली गई। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी उसमें इतने वर्षों ने ना कोई नई रेखा जोड़ी और ना कोई नया रंग भरा है। यानी जब पहली मर्तबा राजेंद्र बाबू को महादेवी वर्मा ने देखा तो उसमें उनकी स्मृति में एक ही आकृति जो है, एक ही उनकी तस्वीर छप गई थी, अंकित हो गई थी। और वो तस्वीर कौन सी थी, उसमें कोई नया रंग नहीं भरा गया, वो तस्वीर थी उनकी सादगी की, सत्य की। सत्य में से जैसा कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। यानी सच्चाई या सच्ची बात में कुछ जोड़ना घटाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो वैसा ही जो सच्चा आदमी होता है, उसकी सच्ची शख्सियत होती है, व्यक्तित्व होता है, उसमें कुछ झड़ा जोड़ना या घटाना मुमकिन या संभव नहीं हो सकता। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, यानी राजेंद्र बाबू के बाल कैसे थे, काले थे, घने थे, छोटे थे, कटे हुए थे, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा। उनका मुख यानी कि चेहरा चौड़ा था, माथा भी यानी पेशानी भी चौड़ी थी। घनी भुकटियों के नीचे बड़ी आँखें, और उनकी जो भुकटियाँ थी, भुकुटियाँ यानी उनकी भवें भवें जो थी वो घनी थी, और उसके नीचे बड़ी बड़ी आँखें थी। मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, और उनके चेहरे के अनुपात में उनकी नाक जो है थोड़ी बड़ी थी, भारी थी। कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, यानी उनका जो हुलिया बयान किया जा रहा है उसमें उनकी ठुड्डी कैसी थी, थोड़ी सी चौड़ाई थी और नीचे से गोल गोलाकार दिख रही थी। कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, यानी उनके होंठ कैसे थे, मोटे थे लेकिन सुडौल थे। श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, यानी उनका जो रंग था, रंगत जो थी वो गोरे पूरी तरीके से गोरे नहीं थे, लेकिन उनका रंग जो वर्ण था वो गेहुआ था। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओंठ को ही नहीं ढक लेती थी, यानी उनकी जो मूछें थी वो ग्रामीणों जैसी, देहातियों की जैसी मोटी मोटी मूछें थी, और ऐसा लगता था कि वो ऊपरी ओंठ को ढक लेती है। नीचे के ओंठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी, और उनकी जो मूछें थी वो निचले होंठ तक भी आ जाती थी। हाथ पैर शरीर सब सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। यानी उनके जिस्म में, हाथ पैर और शरीर में ऐसी कशिश थी, विशेषता थी कि वो किसी को भी मभूत कर देती थी, कोई भी देखकर उनकी तरफ रीझ जाता था। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। यानी उनका जो वेशभूषा था, लिबास था, वो जैसा पहनते थे वो, उससे क्या होता था, वो उनकी जो ग्रामीणता की थी वो और ज़्यादा उलझ जाती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली, यानी उनकी धोती पूरी बांधी जाती थी। तो ये छूटना यानी पैर का निचला हिस्सा, और दूसरा पिंडली ये भी पैर का निचला हिस्सा होता है। दोनों पैरों के किनारे तक के उनकी धोती जाया करती थी। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग, अब उनका जो कोट होता था कैसा था, मोटा खुरदुरा और काले बंद गले का कोट था। बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। यानी उनका जो ऊपरी भाग था वो बटन टूट जाने की वजह से खुला था, और नीचे का भाग जो है वो बटन थे इसलिए बंद कर दिया गया था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। यानी सर्दी के दिनों में उन्होंने जूतों के अंदर मोजे यानी कि सॉक्स पहन रखे थे, और कोट और धोती के समान उसमें विचित्र स्वच्छ यानी सफाई थी। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का,
यानी वो जब चलते थे तो वो मिट्टी की वजह से उनके जूते अटे हुए थे और साफ नहीं थे। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी, यानी वो गांधी टोपी भी पहना करते थे। उसके आगे की नोक बाएं भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। यानी उनकी जो गांधी टोपी थी तो उसकी बाएं मुँह कैसे थी, वो खिसक आई थी बाएं मुँह की तरफ और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वो किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं, अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वहाँ वही इस स्थिति में लटक कर रह गया। यानी वो ऐसा लगता था कि राजेंद्र बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जल्दी जल्दी में आए थे और कपड़े पहन लिए और जिसकी वजह से उनकी ऐसी दशा दिख रही थी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।